Hey guys, good morning. और आज है करवा चौथ, so happy करवा चौथ to all of you. और अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं actually रात में सोई नहीं. ऐसा नहीं कि मैं सो के उठ गई हूँ, मैं सोई नहीं, मैं थोड़ा बहुत काम कर रही थी अपना, बहुत सारा pending work जो बच गया था वो कर रही थी मैं. And उसके बाद अभी just I took a shower और पूजा करी है मैंने भगवान की, और अब मैं थोड़ा बहुत जो सरगी जिसको कहते हैं वो खाने वाली हूँ. तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं खा रही, मैं बस बनानाज और थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ, बिकॉज अभी इतना खिलाने भी नहीं वाला है, खाना खाया है रात में तो. और उसके बाद फिर मैं सोऊंगी तो थोड़ा यू नो टाइम निकल जाएगा, 11-12 बजे तक उठूंगी आराम से. एंड उसके बाद मैं जो भी करने वाली हूँ वो सब मैं आप लोगों के साथ शूट करूँगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. एंड अगेन हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू. एंड मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में, मतलब सो के उठने के बाद. टिल देन बाय. और एक तो सुबह लिया था मैंने, तब मैंने हेयर वॉश नहीं किया था, और कभी जस्ट मैंने हेयर वॉश कर लिया है. और शावर लेने के बाद सारा अब मैं पूजा की प्रिपरेशन करूँगी, बिकॉज जो मुहूर्त है वो आई थिंक 4:30 ऐसा कुछ है, मैं चेक करूँगी. बट फिर भी अब मुझे थोड़ा थोड़ा यू नो भूख लगना स्टार्ट हो चुका है, तो यू नो इससे पहले कि मैं बहुत इरिटेटिव टाइप की हो जाऊँ, तो मैं शांति से बैठ कर के सारा अपना जो प्रिपरेशंस है वो सब स्टार्ट कर देती हूँ, और उसके बाद फिर आराम से तैयार होंगी एंड देन पूजा करूँगी. तो पूजा करके फ्री होने के बाद वापस से, और अभी मैंने ये पहना हुआ है वेस्ट साइड का कुर्ती है, ये दिस इज़ लाइक अ नॉर्मल फ्रॉक वाला स्टाइल का कुर्ती है, तो मैंने ये पहना हुआ है. ये नया नहीं है, पहले का है, बट इसको हार्डली मैंने एक या दो बार ही पहना है, उसके बाद ज़्यादा पहना नहीं था, सो दैट्स वाई ये पहना हुआ है मैंने. और अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, और जब तक मैं प्रिपेयर करूँगी तब तक आई थिंक मेरे बाल भी थोड़े से ड्राइड अप हो जाएंगे. सो या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. यू नो व्हाट, मैं जनरली करवा चौथ तो मेरे घर में होता है, मतलब मेरी मम्मी करती हैं करवा चौथ, और मेरे यहाँ इन लॉज के साइड में तीज होता है, तो आई यूजुअली आस्क एवरीथिंग टू माई मॉम. और लास्ट ईयर जो मैंने वीडियो बनाया था वो भी पूरा मैंने मॉम से पूछ पूछ करके, मम्मी से पूछ पूछ करके बनाया था. तो इस बार मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि मैं, मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं उन लोगों को मैं गाइड कर रही, देखो ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और लास्ट में माफ मांग लेना भगवान से अगर छोटी मोटी भूल चूक हो गई हो तो, क्योंकि वी आर ऑब्वियसली नॉट एक्सपर्ट. और सब जैसे जैसे आप अलग अलग रीजन वाइज चेंज होता है वैसे वैसे कस्टम्स और सब रिचुअल्स चेंज होते जाते हैं, सो दैट इज़ द थिंग. और मैं फटाफट से तैयारी शुरू करती हूँ. प्रसाद मैंने बना दिया है, अभी जो हमारी आंटी आएंगी वो पूरी बना देंगी, तो बेसिकली हम मीठा प्रसाद ही चढ़ाने वाले हैं, पूरी एंड हलवा. और उसके बाद बाकी की चीज़ें जो है खाना बनाने का, तो पापा खाना बनाने का, तो वो खाना जो है वो बाहर से हम लोग ऑर्डर करेंगे. लास्ट ईयर भी हमने बाहर से ऑर्डर किया था, क्योंकि मुझसे नहीं होता है, मैं खाना नहीं बना पाती हूँ, बस आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी बगा लूँगी प्रसाद के लिए, और यही होने वाला है. सो या लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. तो एक्चुअली अभी ये हो गया था कि मेरा जो पुराना वाला करवा चौथ का ये है शीट है, मतलब जो ये भगवान की वो है, ये हल्की सी यहाँ से फट चुकी है, तो ये खंडे दो गई मतलब, तो मैं फटाफट से गई हूँ और लेकर के आई हूँ पीछे वाले मार्केट से. Thank you.
हे गाइस, तो पूजा की जो प्रिपरेशन है वो सारी हो चुकी है और अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बट अभी मुझे रेडी होना है तो मैं फटाक से रेडी होती हूँ और फिर पूजा करने के लिए बैठूंगी। मैंने सोचा था मैं अपने बालों को कर्ल करूँगी, बट अब कर्ल वर्ल गया तेल लेने, मैं फटाक से बस रेडी हो जाऊँ वही बहुत है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ। तो मेरी जो साड़ी है ना, उसका ये ब्लाउज है, इसका ये ब्लाउज की वजह से ही मैंने ये साड़ी परचेज करी थी। और इस साड़ी का रेट अप्रॉक्सीमेटली 5,600 था और ये बैरागढ़ में ऐश्वर्या वाली की शॉप है, वहाँ से मैंने परचेस किया था। और एक बार में देख के मुझे ये साड़ी पसंद आ गई थी एंड दिस इज सो प्रिटी, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। ये इसका बैक है और ये जो नॉर्मल ऐसे गंदे वाले ग्लास नहीं है, मतलब ये एक्चुअली में ग्लास लगा हुआ है और उसकी वजह से ये इतना ज़्यादा हैवी हो जाता है। और जो साड़ी है वो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत पतली सी साड़ी है, एकदम बहुत पतली सी स्लीक सी डिज़ाइन है और बहुत प्रिटी लगती है, लगती तो बहुत ज़्यादा प्रिटी है। तो ये है साड़ी, तो अब मैं फटाक से इसको पहनती हूँ, आपको दिख रही है पास से। सो दिस इज़ द साड़ी एंड दिस इज़ द ब्लाउज। इसमें गलती हो गई थी एक्चुअली, ये ब्लाउज सिलने में बहुत दिक्कत आई थी, मतलब जिस डिज़ाइनर को मैंने ये सिलने के लिए दिया था जिस बुटीक पे, क्योंकि ये ग्लासेस है तो यहाँ पर ना सिलाई लगने में बहुत दिक्कत आ रही थी उनको, तो उन्होंने बैक की जगह फ्रंट में इसके हुक्स दे दिए हैं। और ये पतली साड़ी है तो वो जो हुक्स हैं वो दिखते हैं, इसकी वजह से मैं ये साड़ी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। बट अभी मैं आपको पहन करके दिखाती हूँ एंड फटाफट से मैं रेडी होती हूँ। और मैं पहले मैं पूरा अपना फेस का मेकअप करूँगी, सो आई विल डेफिनेटली शूट इट विद यू। आई हैव ऑलरेडी यू नो प्रेप माई स्किन, मैंने प्राइमर लगा लिया है, सब लगा लिया है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। बिकॉज एज यू कैन सी आई हैव सम एक्ने मार्क्स एंड आई वॉन्ट माई मेकअप टू बी यू नो फ्लॉलेस एंड एट द सेम टाइम इट शुड नॉट लुक वेरी केकी एज वेल। सो आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑरेंज करेक्टर, और मेरा जो ऑरेंज करेक्टर है ये मैंने खुद से सेल्फ यू नो क्राइलॉन की पैलेट बनाई थी। आपने देखा होगा पार्लर्स में काफ़ी सारे लोग क्राइलॉन के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो मैं फिंगर टिप पर लूँगी और जहाँ जहाँ भी मुझे लगता है कि I need a correction, I'm going to apply these correctors there. This beauty blender is from Double Wear or Nothing. तो Double Wear जो foundation है Estee Lauder का, Estee Lauder का Double Wear foundation के साथ मुझे ये मिला था, तो वही वाला beauty blender मैं use कर रही हूँ। तो अभी हम लोगों का जो बेस मेकअप है वो कंप्लीट हुआ है और उसके बाद मैं लगाऊंगी ये वाला जो मेकअप रिवॉल्यूशन का लग्जरी बनाना पाउडर। ओके, सो फॉर माय ब्लश आई एम गोइंग टू यूज दिस गोगो टिंट बेनिफिट। ये दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट। मैं इसको सिर्फ अपने दो फिंगर्स पर लेती हूँ इस तरह से, और ये इतना ज़्यादा नेचुरल लगता है, इतना ज़्यादा नेचुरल लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये है, अब मैं फटाफट से साड़ी पहनूंगी और साड़ी पहनने के बाद बाकी का मेकअप करूंगी ताकि मुझे समझ में आए कि मुझे किस तरह का मेकअप और आई मेकअप करना है। तो मैं साड़ी पहनने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, टिल देन बाय। सो दिस इज़ माय साड़ी और मेरा जो ब्लाउज है ना, ये मैंने एक्चुअली पहचान वाली बुटीक में सिलवाया था। उन्होंने मेरे जो महंगे महंगे वैसे नॉर्मल ब्लाउजेस थे वो तो उन्होंने बहुत अच्छे सिले, बट जो जितने मेरे एक्सपेंसिव ब्लाउजेस थे उसकी जो बैंड बजाई है ना, वो डिज़ाइनर वाले जो होते हैं वो उन्होंने, तो मतलब ये भी उसी में से एक था। इसकी उन्होंने सिलाई ली थी मुझसे 1200 या 1500, आई एम नॉट श्योर, तब की बात है। और एक और मेरे मेन लहंगे की साड़ी का जो, मतलब मेरा जो मेन लहंगा था उसका भी एक और ब्लाउज था, वो मतलब मैंने दो ब्लाउजेज उसके बनवाए थे। तो जो एक और ब्लाउज था जो कॉमनली मैं सब में पहन सकती थी, वो भी 2,500 का सिर्फ कपड़ा था और उसकी भी उन्होंने बहुत बैंड बजाई थी। तो उन्हीं के पहचान की कोई दीदी थी जो मेरी भी पहचान की थी, उन्होंने मुझे कल्टी में बाहर बोला कि इतने महंगी महंगी चीज़ें तूने यहाँ क्यों सिलवाई है एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। पहचान वाली थी वो मेरी, तो मैं उनको चिल्ला भी नहीं पा रही थी, लिटरली बता रही हूँ, मतलब कोई और होता तो मैं उसकी बाट लगा देती। तो आई मेकअप के लिए आई एम यूजिंग दिस मेकअप रिवॉल्यूशन का फॉर्च्यून, सॉरी मेकअप रिवॉल्यूशन का दिस फॉर्च्यून पैलेट।
तो अभी बज रहा है 7:15 और मैं फटाक से जो मुहूर्त है वो है, तो मैं फटाक से पूजा स्टार्ट करती हूँ और द्वारा के लिए पूजा कर रही हूँ। टीनू और ये लोग नहीं है, और पहले मेरी फ्रेंड आने वाली थी बट ड्यू टू सम रीजन हमारा कैंसिल हो गया, तो मैं अकेले पूजा कर रही हूँ। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। गंदी भूख लग रही है कि आई कांट इवन टेल यू कि मुझे कितनी ज्यादा भूख लग रही है। अब मुझसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, मुझे प्यास बहुत लग रही है। लग रहा है कुछ गले में मिल जाए मुझे तो थोड़ा ठीक लगेगा। खाना आ चुका है लेकिन खा नहीं सकते अभी। मैं तो ऐसी हो रही थी कि मैं अभी इधर गिरी चक्कर खा के गिर जाऊंगी, बट ठीक है अभी थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। वेदर से मुझे बहुत फर्क पड़ता है, अगर गर्मी हो रही है तो मैं इससे बर्दाश्त नहीं होता है, अगर गर्मी नहीं हो रही जैसे अभी वेदर थोड़ा बेटर हो गया तो मुझे ठीक लग रहा है, हवा लग रही है बॉडी में, हवा लग रही है तो मुझे ठीक लग रहा है। और ऊपर से जो इतना सारा श्रृंगार बनाया हुआ है तो वैसा, मैं आपको पूरी साड़ी दिखाती हूँ पहन कर, मैंने आपको पूरी साड़ी दिखाई ना, मैं एक मिनट विक्की को बोलती हूँ कि पूरा मुझे शूट कर लो। चेंज कर लिया है बहुत सिंपल से इसमें, और ये दोनों अभी आ गई हैं। हाय, ये है टीनू और ये है शबनम, ब्राइड टू बी, इज गेटिंग मैरिड, और ये देखो ट्विनिंग कर रहे हैं मस्त, अभी H&M से ही बस उठा के ही ला रहे हैं और उठा के लाके पहन के आ रहे हैं। इतनी गर्मी में ये यहाँ मैं मर रही हूँ, साड़ी मैंने चेंज करी क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा इतनी गर्मी, और इन दोनों को देखो कितने का था ये, 1499 मतलब तुम 3000 दोनों, ये। और भोपाल में चांद आ गया है, बस यहीं पे वेट कर रहे हैं यहाँ पर जल्दी से आ जाए। पिछली बार भी ऐसे तो भोपाल में आ गया था और यहाँ पर बहुत देर में आया था। हे गाइस, सो चांद इज ऑलमोस्ट देयर और हमारे बेडरूम से दिख रहा है, तो इस बार हम लोग पूजा हमारे बेडरूम से करने वाले हैं, किचन से अभी तक दिख नहीं रहा है, विजिबिलिटी है नहीं, तो बेडरूम से बस पूजा कर रहे हैं। हम फाइनली सारा हमारा जो खाना वाना है वो लग चुका है और अब हम खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक गाइस, सो करवा चौथ का जो ब्लॉग है वो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और अभी एक्चुअली एडिटिंग चल रही है रात में, हालांकि मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं है बट मैं कर रही हूँ बिकॉज अभी थोड़ी देर बाद मैं घर निकल जाऊँगी, तो घर पर तो मैं डेफिनेटली कोई काम नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ सोने वाली हूँ और कुछ भी नहीं। और अभी मैंने सोफ़ा यहाँ रख दिया क्योंकि पूजा का सामान वहाँ पर रखा हुआ है भगवान का जो पूजा करी थी वो, तो आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको मीशो के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये मीशो क्या है, मीशो इंडिया की लार्जेस्ट ऑनलाइन रीसेलिंग ऐप है। इसमें आपको करना कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ इस ऐप को डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, उस लिंक पर आप क्लिक करिए और इस ऐप को डाउनलोड करिए। अगर आप घर बैठ कर के ही कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट
इनकम करना चाहते हैं या आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर मीशो. इट इज़ द सेफेस्ट एंड द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट. आपको सिर्फ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो प्रोडक्ट्स हैं उनको शेयर करना है. अगर आपकी शेयर की हुई लिंक के थ्रू शॉपिंग की गई है तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डायरेक्टली आपको मिलेगा. सो दैट्स इट फॉर माई वीडियो. आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.